विरोध किस लिए था जिशान अली, बताइए। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पूरे देश के अंदर आज जो रेप की घटना, बलात्कार की घटना पूरे देश के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा समाज और पूरा माहौल गंदा हो चुका है। लेकिन ये भाजपा की जो सरकार देश के अंदर है, फिर भी ये मौन धारण किए हुए है, और उसके बाद अगर कुछ बोलती भी है तो रेप, जो रेप करते हैं बलात्कारी के समर्थन में बोलती हुई भाजपा की सरकार नजर आती है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ये जो भाजपा की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और ये मनुवादी और फांसीवादी सरकार लागू करना चाहती है, इसके खिलाफ आज सब हम सभी युवा यहाँ पर एकत्रित होकर दैनिक जागरण जो पेपर, न्यूज पेपर है, उसमें गलत न्यूज छापा गया, उसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का चार महत्वपूर्ण स्तंभ है जिससे लोकतंत्र टिका हुआ है, जैसे कि उसमें चार में पहला न्यायपालिका, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता, जिसमें कि आज पत्रकारिता की हद यह है कि आज ये पूरी की पूरी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, और ये पूरी की पूरी भाजपा की गोदी में बैठ गई है मीडिया जाकर, और ये मीडिया वाले इस भाजपा के इशारे पर चलती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र को कमजोर करने की ये साजिश है, जिसका हम सभी युवा विरोध करते हैं और इसका खंडन करते हैं। और जान लीजिए, जैसे कि कठुआ में जो घटना हुई, उस घटना को जबकि रिपोर्ट आई कि उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, लेकिन ये जो आरएसएस का अखबार है, ये जो मनुवादी अखबार है दैनिक जागरण, वो लिखता है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ के अंदर जो घटना हुई उसमें उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। ये खुले रूप से ये झूठ का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, निश्चित रूप से निंदनीय है, और इसका हम विरोध करते हैं। और सभी साथी, आने वाले दिनों में हम सभी साथियों से, सभी देशवासियों से, सभी बेगूसराय वासियों से निवेदन करेंगे कि ये जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, इसको आप लोग लेना बंद करें, इसका विरोध करें, और जहां कोशिश हो सके, जो आपके जानने वाले पहचानने वाले जितने भी लोग हैं, उनको बताएं कि ये बिकाऊ मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये दैनिक जागरण जो गलत न्यूज छापती है, उसका विरोध करें और ये न्यूज़पेपर लेना बंद करें। सभी साथियों से ये निवेदन करते हैं, और ये हम संदेश देना चाहते हैं।